हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अमित कुमार। अ वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लेट्स फील इंग्लिश, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आज मैं 10th सीरीज़ का 5th वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कवर करूंगा। इससे पहले का वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो चेक इट आउट एंड वॉच दोज वीडियोज़। क्योंकि ये सीरीज़ को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो बीच से अगर कोई वीडियोज़ को देखोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो अगर आप सीरीज़ को फॉलो करते हैं स्टार्टिंग से तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। वेट, स्लाइड में चेंज कर लूँ। हाँ देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान इसका होता है रहा था, रही थी, रहा थे। पास्ट में जो कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यू कुछ हुआ था पास्ट में, वो चीज़ यहाँ पे पहचान इसका है रहा था, रही थी, रही थे। मतलब सेंटेंस के एंड में ये हो तो आप समझ जाइए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ना। तो देखिए, सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, नेम के साथ आपको वाज लगाने हैं। यू, वी, दे, इसके साथ वर्ब लगेगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वह कार चला रहा था। देखिए एग्जांपल देखिए, वह कार चला रहा था, ही वाज ड्राइविंग अ कार। मतलब ये पास्ट में पास्ट की बातें बताई जा रही है कि वह कार चला रहा था, है ना। कुछ समय पहले आप किसी को देखे थे, या वो आपका फ्रेंड हो सकता है या कोई भी हो सकते हैं, तो उसको आप देखे थे कुछ समय पहले, और अभी प्रेजेंट में किसी को बोल रहे हो, अरे मैं तो देखा था वह कार चला रहा था, ही वॉज ड्राइविंग अ कार। हम लोग पिज्ज़ा खा रहे थे, वी वेयर ईटिंग पिज्ज़ा। गॉट इट। तो ही के साथ वॉज लगाए यहाँ पे, और ये ड्राइविंग अ कार वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, हम लोग पिज्ज़ा खा रहे थे, वी वेयर ईटिंग अ पिज्ज़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट, बस नॉट लगाने हैं इसमें, है ना। मैं नहीं सो रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। वह नहीं पढ़ रहा था, ही वॉजंट स्टडिंग। ये बहुत ही आसान है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, क्या वह नहीं खेल रहा था, वॉज ही नॉट प्लेइंग। वॉज एवर को सबसे पहले आपको राइट डाउन करने हैं, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट को राइट डाउन करने हैं, ठीक है, उसके बाद नॉट लगाने, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। देखिए मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉज या वेर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, है ना, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये याद रखिए आप, ये है इसका स्ट्रक्चर। वाज या वर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो वाज या वर को पहले राइट डाउन करने। तो देखिए, वेयर, तुम, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, तो ये पूछा जा रहा है क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, तो वेयर आपने सबसे पहले राइट डाउन किया, उसके बाद सब्जेक्ट यू है तो यू, नहीं है सेंटेंस में तो नॉट लगाए आप, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, स्टडी का स्टडिंग। गॉट इट। तो चलिए आगे देखते हैं। डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर्स, डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर्स ये होते हैं जो वाट, वेन, वेयर, ये सब डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर देखिए पहले, डब्ल्यू एच वर्ड्स जो भी हैं, वाट, वेन, वेयर प्लस वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसमें हर टाइप का सेंटेंस में आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाने हैं। ठीक है, मतलब कि वर्ब में आई एन जी लगाने हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल, तुम शराब क्यों पी रहे थे, वाई वेयर यू ड्रिंकिंग अल्कोहल। वे लोग वहाँ क्या कर रहे थे, तो वे लोग के साथ दे के साथ क्या लगता है, वेयर लगता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्या वे लोग वहाँ क्या कर रहे थे, तो क्या को आप क्या का क्या होगा, वाट, आपको वाट यहाँ लिखना है। अब यहाँ सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ क्या लगता है, वेयर, तो पहले ये लगाने हैं आपको वाज वेयर। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म डू है तो डूइंग हो जाएगा, और उसके बाद अफर्मेट ये कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे, वाट वेयर दे डूइंग देयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज ये बहुत ही आसान था, ये ख़त्म होता है यहाँ।
अब ये आपका टास्क टाइम है, इसे आपको पूरा करने हैं, इसे ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में और कमेंट बॉक्स में आपको राइट डाउन कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं चेक इट आउट करूँगा। उसके बाद जो भी आपको क्वेरीज हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।